संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त रिसेंटली हुई अपनी सर्जरी के बाद रिकवर कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि मान्यता के कुछ टेस्ट के बाद शायद उन्हें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि मान्यता पिछले कुछ समय से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका ख्याल रखने के लिए संजय दत्त इस वक्त जेल से बाहर आए हुए हैं। और रिसेंटली खबर आई है कि मान्यता दत्त की हेल्थ रीजंस को ध्यान में रखते हुए ही संजय दत्त के पैरोल को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में पुलिस ने अपनी 447 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने सूरज पंचोली को धारा 306 के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए चार्ज किया है और पुलिस ने उन तमाम लोगों के बयान दर्ज करवा दिए हैं जिन्होंने सुसाइड के दिन जिया से बात की थी। एक्टर ऋतिक रोशन सुजैन रोशन से हुए डिवोर्स के बाद खुद को जिम्मेदार मानते हैं। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अपने फैंस से इंटरेक्शन के दौरान ऋतिक ने कहा कि उनकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स की वजह वो खुद हैं। इसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। इमरान हाशमी और महेश भट्ट ने करण जौहर के चैट शो में दिए गए अपने बयानों से सबको चौंका दिया है। इस चैट शो के दौरान इमरान और महेश भट्ट ने ऐश्वर्या के लिए वर्ड प्लास्टिक, आमिर के लिए बोरिंग, इमरान खान के लिए ओवररेटेड और संजय लीला भंसाली के लिए ओवररेटेड डायरेक्टर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान सबको ये कहकर चौंका दिया कि वो सिंगर हनी सिंह को नहीं जानती। और अब इस पर हनी सिंह का कहना है कि हो सकता है कि अभी अपनी लाइफ में उन्होंने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, ऐसे में वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने काम से आशा भोसले को इम्प्रेस कर पाएं। अपनी फिल्म हंसी तो फंसी के प्रमोशन के लिए एक डांस रियलिटी शो के सेट पर पहुंची परिणीति ने एक बार फिर सबके सामने जाहिर कर दिया कि वो रणबीर कपूर की कितनी बड़ी फैन हैं। परिणीति ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी के साथ जोड़ी बनाकर डांस करना होगा तो वो रणबीर कपूर को चुनेंगी। फिल्म शाहिद के डायरेक्टर हंसल मेहता एक RTI फाइल करके सेंसर बोर्ड से ये पूछने वाले हैं कि आखिर मद्रास कैफे और रामलीला जैसी फिल्म को UA सर्टिफिकेट क्यों दिया गया और उनकी फिल्म शाहिद को ये सर्टिफिकेट क्यों? हंसल ने आरोप लगाया है कि सेंसर बोर्ड नाइंसाफी कर रहा है। हंसल ने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड बायस्ड है। एक्टर अभय देओल को प्रोड्यूसर बनने के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं और इस परेशानी की घड़ी में अभय क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। यही वजह है कि अपनी फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट पर अभय ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। एक्टर आमिर खान के शो सत्यमेव जयते का इंतजार कर रहे फैंस के लिए है एक बुरी खबर। सुनने में आया है कि इस शो की शूटिंग शेड्यूल को कुछ और दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब ये शो 2014 के एंड में ही ऑन एयर हो पाएगा। एक्ट्रेस करीना कपूर ऋतिक रोशन से है नाराज। जी हाँ, ऋतिक रोशन की वजह से फिल्म शुद्धि की डेट कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसे में करीना के काफी डेट्स बर्बाद हो रहे हैं और अब करीना अपनी ये नाराजगी ओपनली मीडिया के सामने जाहिर कर रही हैं।